नमस्कार। इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी उसका लगभग निर्णय हो चुका है। उस निर्णय में समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें कांग्रेस को देने पर राजी हुई थी, लेकिन इस बीच 11 सीटों पर फैसला हो चुका है। 11वीं सीट भदोही लोकसभा की होगी। अब भदोही लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन को देख रहे केसी वेणुगोपाल के आग्रह पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भदोही की सीट को कांग्रेस पार्टी को देने के लिए सहमत बना ली है। लगभग 90% तक फैसला हो चुका है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित श्याम धर मिश्र के पुत्र विनोद श्याम धर को सीट देने के लिए ये फैसला हुआ है और सहमत भी बन चुकी है। अब केवल घोषणा होना बाकी है। तो बहरहाल बड़ी खबर ये दिल्ली से है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित श्याम धर मिश्र के पुत्र विनोद श्याम धर के लिए जो सहमत बनी है भदोही लोकसभा सीट को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले सुन लेते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की वो बात जो पिछले दिनों उन्होंने बातचीत में कहा था लोकसभा प्रत्याशी को लेकर कि हम स्थानीय और मजबूत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो वो स्थानीय और मजबूत प्रत्याशी के रूप में सहमत बन चुकी है विनोद श्याम धर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित श्याम धर मिश्र के पुत्र हैं, उन्हें भदोही लोकसभा क्षेत्र से उतारने की सहमत बनी है। बहरहाल कांग्रेस की यात्रा आ रही है, न्याय यात्रा भदोही जनपद में आ रही है और न्याय यात्रा का 2 दिनों का कार्यक्रम होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आगमन की भी संभावनाएं हैं। तो हम आपको सुनवाते हैं अजय राय ने क्या कहा था। देखिए, आपने कहा कि 80 सीटों पे प्रदेश की कांग्रेस तैयारी कर रही है, सभी 80 सीटों पे, तो किस तरह के प्रत्याशियों को तरजीह देंगे, किस तरह का प्रत्याशी होगा? ज्यादातर स्थानीय और मजबूत होगा।